देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर नई बहस छिड़ी है। इसे लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका समर्थन। वहीं इसी बीच मध्य प्रदेश से मेहर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया है, जिसमें उन्होंने कहा, कॉमन सिविल कोड हरिजन आदिवासियों के अधिकार और परंपराओं को खत्म करने का जरिया है। जिस कानून की वकालत आज देश में घूम घूम कर मोदी जी कर रहे हैं, इस कानून के आने से आदिवासियों की जमीनों का सौदा अडानी जैसे लोगों से करा उन्हें सौंप दिया जाएगा। हमारे देश की सरकार इन दिनों एक देश एक कानून की जमकर वकालत कर रही है, साथ ही इसे लागू करने की तैयारी भी है, लेकिन ये कानून हरिजन आदिवासियों के अधिकारों परंपराओं में डाका डालने जैसा है। इसलिए देश के आदिवासी भाइयों को सरकार की मंशा भापनी चाहिए, साथ ही इसके विरोध की तैयारी की जानी चाहिए। बीजेपी नेता के इस दावे के बाद से ही मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी भोपाल पहुंचे थे, जहां पर पीएम मोदी ने यूसीसी की जमकर वकालत की थी। हालांकि अब यूसीसी पर उन्हीं के पार्टी के विधायक खुलकर विरोध करते नजर आए। मामले में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज अलग अलग प्रदेशों में हरिजन आदिवासी भाइयों के लिए अलग अलग कानून हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, जमीनों के ट्रांसफर के कानून हैं, लेकिन जिस कानून की वकालत आज देश में घूम घूम कर मोदी जी कर रहे हैं, इस कानून के आने से आदिवासियों की जमीनों का सौदा अडानी जैसे लोगों से करा उन्हें सौंप दिया जाएगा, जिससे आदिवासियों के लिए आने वाले दिनों में रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि आप सभी इस सरकार द्वारा पीठ पीछे किए जाने वाले कठोराघात से सावधान हो जाइए, जिससे आपका और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। फिलहाल एमपी चुनाव से पहले बीजेपी विधायक का पीएम मोदी पर इस तरह से निशाना साधना सियासत में नई अटकलों को जन्म दे रहा है। गौरतलब है कि नारायण त्रिपाठी बीजेपी में आने से पहले मेहर सीट से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के टिकट से भी चुनाव लड़ चुके हैं। चार बार के विधायक नारायण त्रिपाठी विंध्य क्षेत्र के काफी मजबूत नेता माने जाते हैं। वो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और कई बार उन्होंने पार्टी लाइन के इतर भी बयान दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।